Hello students, today we are going to study English practice book page number 23. We are going to continue exercise 3 of the chapter Chintu and the Chicks. So look at the book. Rearrange the jumbled words to make correct sentence. Kuch words hai wo yahan par jumble kiye hue hain, aage piche लिखे हुए हैं, उसको हम लोग को री अरेंज करके एकदम बिल्कुल सही रूप में लिख करके ताकि वो मीनिंगफुल हो और करेक्ट सेंटेंस बनाना है। मेरी बात आप लोग को समझ में आ गई होगी बच्चों। यहाँ पर वन लिखा हुआ है, यहाँ रिच इज चिराग ए बॉय, इसको करेक्ट सेंटेंस बनाना है तो हम लोग लिखेंगे चिराग इज ए रिच बॉय, चिराग इज ए रिच बॉय, चिराग इज ए रिच बॉय। उसके बाद टू, The happiest child, the happiest child, ये भी इसको भी अरेंज करना है। The child is happy, बच्चे खुश हैं। The child is happy, the बच्चा खुश है। The child is happy. The child is happy. Third, a hen chicks are has five. A hen chicks has five. A hen has five chicks. A hen has five. यहाँ पर हम लोग पीछे देख रहे हैं, एक हैन है और उसके फाइव चिक्स हैं। इसी बात को यहाँ लिखा गया है, अ हैन हैज फाइव चिक्स, अरेंज करके जंबल्ड वर्ड्स को। नाउ द ऑन सीट्स बॉय चेयर द, इसको रीअरेंज करना है, ये करेक्ट फॉर्म में अरे नहीं है। द बॉय सीट्स ऑन द चेयर, द बॉय सीट्स ऑन द चेयर, द बॉय सीट्स ऑन the chair. Five, Chavi chain a has, Chavi has a chain, Chavi has a chain, Chavi के पास एक chain है, Chavi has a chain, इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद देखते हैं क्या लिखेंगे। ये दिस इज अ चॉक, यहाँ पर इसको रीअरेंज करना है, करेक्ट सेंटेंस बनाना है। ये चॉक इज दिस ए लिखा हुआ है, इसको दिस इज ए चॉक लिखना है, दिस इज ए चौक, यह एक चौक है, दिस इज ए चौक, ऐसे लिखना। यही आपका होमवर्क है, पेज नंबर 23 आप कर करके भेजेंगे। कोई परेशानी होने से हमें पूछिएगा। थैंक यू।